मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। आंकड़े भी यही हकीकत बयां कर रहे हैं। जनवरी से अगस्त तक डेंगू के मरीजों की संख्या 95 थी। वहीं सितंबर से 14 अक्टूबर तक 130 डेंगू के मरीज मिले। इनमें से 32 मरीज ऐसे हैं जो डेंगू पॉजिटिव हैं, लेकिन जिला मलेरिया कार्यालय के अमले को ना तो उनके पते मिल रहे हैं और ना ही उनके मोबाइल पर कॉल लग रहा है। ऐसे में इनके घरों और अस्पताल आसपास के घरों में डेंगू लार्वा सर्वे नहीं हो पाया। दरअसल जब भी डेंगू का कोई नया मरीज मिलता है, उसके घर के साथ ही आसपास के 50 घरों में डेंगू लार्वा सर्वे किया जाता है। जिला मलेरिया कार्यालय की टीमें इस क्षेत्र में सक्रिय होकर यहाँ लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम करती है। जिन घरों में डेंगू लार्वा मिलता है, उसे नष्ट करने की कार्रवाई की जाती है, ताकि डेंगू फैलाने वाले मच्छर पनप ही न पाए। लेकिन मरीज नहीं मिलने के कारण उनके घरों के आसपास डेंगू लार्वा सर्वे नहीं हो पा रहा है।